दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 16 जनवरी 2023 सोमवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। आयकर विभाग में सीधी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। बिना एग्जाम बिना परीक्षा के भर्ती निकली है। सीमा सड़क संगठन भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। लोक सेवा आयोग में भी बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से, समस्त राज्यों से मेल फीमेल 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री धारक सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 16 जनवरी 2023 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में। आयकर विभाग के अंतर्गत स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। स्पोर्ट कोटा के माध्यम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के खाली पदों को भरा जा रहा है। 72 वैकेंसीज निकली है जो आप नोटिफिकेशन से ही चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 फरवरी 2023 है। सैलरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 9,300 से 34,800 है। टैक्स असिस्टेंट और MTS के लिए 5,200 से 20,200 है। MTS के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट के लिए डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 वर्ष है। टैक्स असिस्टेंट और MTS के लिए 18 से 27 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई परीक्षा देनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्पोर्ट ट्रायल के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु और पुडुचेरी जॉब लोकेशन है tnincometax.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। सीमा सड़क संगठन BRO के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें रेडियो मैकेनिक, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट OG, व्हीकल मैकेनिक, MSW ड्रिलर, मल्टी स्किल्ड वर्कर मैशोन, MSW पेंटर, MSW मेस वेटर की बात अगर वैकेंसीज डिटेल की जाए तो टोटल यहां पर इसके लिए 567 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 फरवरी 2023 है। सेली आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 और 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए ₹50 है। SST को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। BRO.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है MPPSC में। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2023 के माध्यम से भर्ती होगी। असिस्टेंट इंजीनियर AE की पोस्ट है। वैकेंसीज आप नोटिस से कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 जनवरी 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 15 फरवरी 2023 है। 15,600 से 39,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। डिग्री इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस ऑल कैंडिडेट MP के लिए ₹500 है। SST OBC PWD के लिए ₹250 है। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। MPPSC.MP.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी TSPSC में निकली है, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के अंतर्गत भर्ती है। ग्रुप थर्ड सर्विस की पोस्ट है, 1365 बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकली है। आवेदन इसके लिए 24 जनवरी से शुरू होंगे, लास्ट डेट 23 फरवरी 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 23 फरवरी है। एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, इसलिए आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 30 वर्ष यहाँ पर इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो प्रत्येक कैंडिडेट के लिए 320 है। अनएम्प्लॉयज को फीस जमा नहीं करनी होगी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम से चयन होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। TSPSC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर की जॉब है वो भी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग TSPSC में ही निकली है। ग्रुप सेकंड की पोस्ट है, 783 वैकेंसी जहाँ पर निकली है। आवेदन इसके लिए भी 18 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, लास्ट डेट 16 फरवरी 2023 है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 16 फरवरी 2023 है। एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, सेलली आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। डिग्री या डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 30 वर्ष इसके लिए आयु सीमा यहाँ पर है। एप्लीकेशन फीस प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए 320 रुपये है। अनएम्प्लॉयज को फीस जमा नहीं करनी होगी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर चयन होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। TSPSC.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 16 जनवरी 2023 सोमवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।